नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, ये उत्तर प्रदेश के रामराज्य का है, उस रामराज्य का जहां शंभू का वध होता है, उस रामराज्य का जहां पर दलितों के दरवाजों पर शादियों में गुंडई करना राष्ट्रहित में होता है, न कि जातिवाद। कानपुर की यह घटना है जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, एक दलित परिवार की बारात निकलना, इतना नागवार गुजरा ठाकुरों को कि उन्होंने गेस्ट हाउस जहां पे वो बारात गई थी तोड़फोड़ की और गुंडई की। ये उसी रामराज्य का सीसीटीवी फुटेज है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल कानपुर देहात के राजपुर निवासी रमेश चंद्र कोरी, वो व्यक्ति जिसकी बिटिया की शादी में इन सवर्णों ने गुंडई की, उसके लिखे एप्लीकेशन में जो उसने पुलिस को दी थी, साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से पहले बारात रोकी गई, फिर पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस बुलाई गई तो किसी तरीके से बारात गेस्ट हाउस तक पहुंच गई। लेकिन ये बात जाति के दंभ में चूर ठाकुरों को बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने पुलिस के जाते ही गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया, कैमरे तोड़ दिए, स्क्रीन तोड़ दी, कुर्सियां तोड़ दी, महिलाओं के ऊपर हमला किया, बच्चों के ऊपर हमला किया, उस शादी में शामिल तमाम लोगों को चोटें आई, मारपीट करी और उसके बाद भी उनका अहंकार, सत्ता का नशा नहीं उतरा, तो उन्होंने अपनी औकात दिखाने के लिए गेट तक पर लगातार वार किए। वो साफ तौर पर बता देना चाहते थे ये ठाकुरों वाला रामराज है जहां दलितों का बारात निकालना उनको इतना नागवार गुजरेगा तो आपकी गर्दन पर सीधा वार करेंगे और उनको किसी का भय नहीं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, उनके सामने सब कुछ आज नतमस्तक है। ये बताने की कोशिश साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में की गई है और दिख रहा है। मेरी अगर बात आपको गलत लग रही है कि मैं बार बार ठाकुर क्यों कह रहा हूं, तो नाम सुन लीजिए और एप्लीकेशन ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो नाम लिखे हैं और उसके नीचे दूसरे पैरा में बकायदा लिखा गया है कि ठाकुरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। नाम सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह चंदेल, भगवान सिंह, अनुराग सिंह, सचिन सिंह, शिवम सिंह, दीपक सिंह और जो भी और लोग थे, सारे एक ही बिरादरी के थे और उन ठाकुरों को नागवार गुजरा कि जिस दिन हमारा कार्यक्रम उस दिन हमारी गली से किसी दलित की बारात कैसे निकल सकती है। तो उन्होंने बाकायदा लाठी डंडे लेकर उस गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया जहां बारात जा रही थी। इस बात से साफ स्पष्ट हो जाता है कि ठाकुरों की मानसिकता क्या थी और वो सत्ता के नशे में कितना चूर थे। यही घटना अगर उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों में होती, मायावती जी की सरकार में होती या मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार में होती, और अखिलेश यादव की सरकार में अगर यही गुंडे ठाकुर नहीं यादव होते, तो जरा सोचिए इसी घटना को नेशनल मीडिया पर बैठे हुए तमाम भांड पत्रकार किस चीज का नाम देते। खुले में कहते यादव गुंडई कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन इस घटना पर किसी की जुबान तक नहीं खुल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस घटना में सिर्फ एक तरफ की बात नहीं होगी, वो इस पूरी सीसीटीवी फुटेज को देख लें और समझ लें कि कौन गुंडई कर रहा है, कौन अपना बचाव कर रहा है, कौन डर में है और किस तरीके से परिजन पुलिस वालों को बुलाकर पहले बारात निकालते हैं, उसके बाद उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, हाथ पैर तोड़े जाते हैं, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, फिर उन्हें पुलिस को बुलाकर किसी तरीके से डर के माहौल में अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। ये घटना 7 दिसंबर की है। पूरी घटनाक्रम में आप साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में शंभूक वध वाला रामराज्य देखिए और चौड़ी छाती करके कहिए कि भारत में समतामूलक समाज बन रहा है, वो समतामूलक समाज जहां दरअसल जिनकी बात करनी थी उन्हें लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है, उनकी जान खतरे में है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदार अधिकारी ट्विटर पर सिर्फ ये कहकर निकल जाते हैं कि हम इस मामले पर कायदे से कार्रवाई करने का निर्देश दे चुके हैं। निर्देश देने से इस देश में दलित, इस प्रदेश में दलित, योगी राज में दलित, राम राज्य में दलित सुरक्षित हो जाएंगे और उनकी सुरक्षा की गारंटी ट्विटर पर लिखी गई एक लाइन की उनकी वो सूचना है जो वे लोगों को देखकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं। क्या हुआ उन दलित लोगों को जिनको पीटा गया, क्या हुआ उनके मामले में उन दबंगों का जिन्होंने उनको पीटा, उनको क्या सजा मिली, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। यही असल में रामराज्य है, यही असल में रामराज्य की असल तस्वीर है। कोरी समाज का एक लड़का अगर घोड़ी पर बैठकर आपकी गली से गुजर जाए तो आप उसको इसलिए मार दीजिएगा क्योंकि वो कोरी है, दलित है, और आप इसलिए मार सकते हैं क्योंकि आप सवर्ण हैं,
आपको एकाधिकार प्राप्त है, आपके लोग सत्ता में है, जातिवाद नहीं, राष्ट्रहित कर रहे हैं, ये जातिवाद कतई नहीं है कि एक ठाकुर मुख्यमंत्री के राज्य में ठाकुर बकायदा गुंडई कर रहे हैं, उनकी बारात में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ, धन्यवाद।